ना हाँ हलवा बिक रहा है यहाँ पे। कौन से बहुत बुरे। Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. And for all those who are watching this cutie face for the first time, hi, my name is Bhavya Kamra, and it would mean the world to me if you could subscribe to my channel. So guys, आज की वीडियो होने वाली है एक चैलेंज वीडियो, मतलब वैसा फन चैलेंज। आज हमने सोचा था कि हम शॉपिंग पे जाएंगे, मैं और मेरी एक फ्रेंड है जानवी, जो आपने देख रखी है पहले ब्लॉग में, और चैलेंज करेंगे कि कुछ अमाउंट में, वो भी हम डिसाइड करेंगे दोनों मिलकर कि क्या अमाउंट रखना है। और एक बंदा H&M से शॉपिंग करेगा और एक जनपद से शॉपिंग करेगा, फिर उसका हॉल भी आपको दिखाएंगे। बस होपफुली कि हमें अच्छा अच्छा सामान मिल जाए, ये ना हो कि हमारी बेइज्जती हो जाए, कोई ब्लॉग ही ना बने। सो गाइज, अभी हम बस मैंने उसके लिए दो चिट्स बनाई हैं, वो हम आपके सामने शफल करके डिसाइड करेंगे कि किसका किस पे आता है। हाय गाइस, सो हमारे साथ हमारी पार्टनर जुड़ चुकी है। वैसे मैंने आपका नाम बता दिया, फिर भी आपको फिर से इंट्रोडक्शन देनी हो तो दे सकते हो, मत दे। पता है भाई, हर दूसरी वीडियो में मैं ही होती हूं, वैसे तो वीडियो बनाती नहीं है। ये देखो बंद हो गया, बंद नहीं हुआ, वो स्लो हो गया, अभी वापस चलेगा वो। नहीं, वो हल्का सा ऊपर है। आप अगर आप इसके साथ जाओगे ना तो आपको इंडिकेटर की जगह वाइपर चलते दिखेगा और कुछ नहीं, बस। सो गाइज, मैंने आपको बोला था कि हम चैलेंज करने वाले, मैं आपके लिए लाई हूँ एक टास्क कि आपको चूज करना है। तो इसमें दो जगह है, वो हमें डिसाइड करना है कि कौन सी किस पे जगह आएगी। ठीक है, शफल करने दे यार, पूरा इंटरेस्टिंग। मैं ऐसे शफल करूं कि 50 चिट्स है मेरे पास, पर फिर भी ये ले। क्या हंस मत, मेरी मम्मी ने मुझे स्पेशली बोला है हंसना भी हाँ मत करना ज्यादा, तुम्हारी आवाज समझ में नहीं। लिख रहे इनको, रुको मैं भी दिखा। ये लिखी कितनी गंदी है राइटिंग है, यू तेरे जैसी लिखी है। ये देखो, दिखा दो आप इसमें। बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, दिखा देना उसमें। मेरा H&M है, तूने क्या लिखा? जनपद। हम जनपद भी जा रहे हैं, तब हम वो करेंगे कि एक ही कितना अमाउंट रखे यार, 1000 या 2000। पहले मैं देखती हूँ जितनी H&M पे शॉपिंग होगी उतने मैं तेरे को जनपद में करने पड़ेगा। तू 5000 की कर लेगी, मैं 5000 के जनपद से करूँ, बोला जनपद खरीद लो। जनपद भाई कम नहीं है, अब बहुत महंगा होते जा रहे जनपद भी। सो गाइस, हम H&M पहुँचने वाले हैं और फिर आपका चैलेंज अभी स्टार्ट होने वाला है। सारे रेडी? यस। पैसे कितने लगाने हैं? तू कर रख ना, तेरा ना मेरा 15। गुड, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते क्योंकि H&M थोड़ा सा महंगा है जनपद। ये हम नहीं सुन सकते, अगर आपके एक्स्ट्रा लगे तो आप चैलेंज हार गए। चलो देखते हैं, हारेंगे तो नहीं, ट्राई करेंगे। यार यही तो चैलेंज है, 15000 नहीं बोल रहे। So let's go. ये इधर आके ऐसा पॉश वैसा नहीं लगता कि हुआ है बहुत। हाँ, लंच आ गया इतना भी नहीं। कैसा चल रहा है चैलेंज? अभी तक तो ठीक चल रहा है, तीन चीजें लिए जो ज्यादा महंगी नहीं है तो शायद मेरा 1500 में हो जाए। मतलब अगर दो लूंगी तो 1500 में हो जाएगा। और फिर तो मेरा देखियो, अभी देखते। तो तू मेरी जनपद में मेरे लिए भी शॉपिंग कर लियो फिर कुछ। मैं क्यों करूँ? भाई नहीं है, भाई नहीं, ये वाला वो है स्लैंग, भाई नहीं है कुछ भी काम निकालने के लिए। आज बजट दिया तो सब इतना महंगा क्यों लग रहा है? तेरा तेरे पास टाइम सिर्फ 5 मिनट का है, इतना नहीं हो रहा तो शॉपिंग नहीं करा रही। 5 मिनट का टाइम होता करा दे फिर ठीक है, तो मैं धड़ धड़ उठा लूँ जो हाथ। गॉसिप गर्ल्स, थर्ड पार्टनर हमारा मिसिंग है अभी, उसके साथ हम कल वीडियो बनाएंगे, वो काम में बिजी है बेचारा। और आउटफिट कैसा लग रहा है गाइस? अच्छी लग रही है। थैंक्स यार, मेरा कैसा लग रहा है? मैं तो अच्छी ही लगती हूँ, तू अपना ले। मैं तो ऐसी बैठ कपड़े पे बोल। गाइस ये देखो, हमारा बजट 1500 का बजट देखो गाइस, H&M में कितना सारा सामान आ जाएगा 1500 में। ये भी और ये भी, अभी तेरा बिल भी दिखाती हूँ मैं इनको। बिल क्या करने दिखा के 1500 का? मैं झूठ नहीं बोल। गाइस आपको पता है कि झूठ कौन बोल सकता है? वो झूठ तुम ये दिखा, क्यों दिखा? 20 मिनट्स लेटर, अभी भी हम 5 लोग हैं। अभी भी बेबी? अच्छा अभी भी हबीबी? हबीबी इधर
मेंटल यार यहाँ, पता नहीं, पता है बस यही है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इतनी देर खड़े रहो खड़े रहो और फिर भी इसको यहाँ पे लाना भाई सिर दर्द है हमेशा, ऐसे रहती है पिछली बार भी जब आए थे खाली एक घंटा लगा देती है यार, फिर अभी अब एक घंटा से एक घंटा पहले ये ढूंढेगी ठीक है, फिर उसके बाद जब इतनी लंबी लाइन लग जाती है फिर बोलती है यार अभी थोड़ी देर और लगी, फिर मैंने इसको पिछली बार तो बोल दिया छोड़, बोलती है उनका मैंने दर्द हो गया होगा, फिर इसको बोलता है कि चल अब घर चल, मैंने कुछ भी नहीं लेने दिया इसको, मुझे लग रहा है कि आज ही मैं इसके साथ यही करूंगी क्योंकि मैं आधा घंटा हो चुका है एक ही जगह पे खड़ा ब्रो चैलेंज ब्रो भाड़ में गया चैलेंज गाइस हमारी डील कितने की हुई थी नहीं 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 आपका चैलेंज कितने का था? हाइक जगह ही था, इस जगह ही था, इसको याद नहीं, अभी वीडियो देख लो देखो क्लियरली ये हार तो चुकी है, अब मैं इसको ये दिखाऊंगी कि मैं 1500 में जनपद से क्या क्या ले सकती हूँ, मैं बताती हूँ अब यार मेरे को एक बार बता, तो मैं दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, अब एक टी शर्ट अगर मैं ले आऊँ घर 1500 की तो वही तो दिखाना है, तो एक टी शर्ट में क्या दिखेंगे, उनको खुद भी तो शॉपिंग करनी है ना, तो उनको वो चीज होती है, मैं आपको अब अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी गाइस, पर हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि हमारी जो मैम है उन्होंने हमारे 3 घंटे एक ही जगह पे वेस्ट कर दिए, सीपी वाले एचएनएम में बहुत भीड़ होती है, मैं क्या करूं बताओ, ऐसे में हम अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पे और ट्रायल रूम बनाया जाए, हाँ। नहीं तो बंद कर दो भाई अपना शोरूम सुन ऑनलाइन थक गए और भूख भी लग रही है, खुशबू आ गई छोले भटूरे की, बट अभी खाएंगे जिम भी जाना, अब हम अपनी दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं, मैं अपना चैलेंज कंप्लीट करने आ गई हूँ और लेट्स सी अगर 3-4 हज़ार में ना मैं पूरा जनपद खरीद लूँ, पर मेरी इतनी बार्गेनिंग स्किल्स नहीं है, वो भी एक खरीदवाएगी मुझे, हाँ अब हम बाकी आपको घर जाके दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया, तो उसके लिए पहले भी शॉपिंग करनी भी पड़ेगी, तो अभी हमें जाना तो बाय बाय गाइस क्योंकि हम लेट हो गए हैं, अभी हम वो ले रहे थे गाइस, यहाँ पे टी शर्ट हमने बोला ओवर साइज आनी चाहिए, भैया आपने क्या बोला, हाँ हलवा बिक रहा है यहाँ पे, भैया बोले खिलाते पिलाते रहो इनको, यहाँ पे टी शर्ट और शर्ट अच्छी मिल रही है, तो शॉप नंबर क्या है, शॉप नंबर मुझे तो पता है, क्या बोलते हैं, तीन नंबर यहाँ पे आके देख सकते हो, इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी है, बस बार्गेन थोड़ा कम करते हैं, बट इनके पीसेस अच्छे हैं, तो आप ले सकते, हमने क्या क्या लिया, अभी रहती है थोड़ी सी शॉपिंग रहती है, अभी आप बजट के अंदर ही हो, गाइस मेरी शॉपिंग हो गई है डन और ऑलमोस्ट मैंने चैलेंज कम्प्लीट कर लिया और ये हार चुकी है, बट अभी चीज हमारी टिक्की और बहुत सारा काम है, मेरा फोन तोड़ेगी गाइस आज, अब मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी, बाय क्योंकि उनको दिखाना नहीं है क्या तूने, शॉर्ट टाइप है ले लेन, 1300 की है और ये इसको अच्छी लगी, बट मेरे को अच्छी लगी क्योंकि गाइस जब धूप ज्यादा हो रही तो फिर शर्ट्स चाहिए होती है,
और ये लास्ट चीज ठीक है। अभी रुक जनपद में जाओ यार, पता आ रहा है ये हमने एक शर्ट लिया है क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऐसी शर्ट लेने का सोचती थी और ये मेरे को 15% ऑफ में मिली है और ये वैसे 2000 की बट 15% करके जितना भी होता है वो कुछ रुक जा यार मतलब मैं कार रहा हूं कि तेरे से खुल रही दिखा वापस नहीं दिखा अलग है सुपर ऑलमोस्ट सेम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ नहीं होगा। आप बताओ कौन सी अच्छी है बजट था और तूने एक शर्ट ही उससे महंगी ले ली पता कैसा फिर होगा कपड़े हाँ कितने का हुआ बिल गाइस मेरा बिल आज का था 2100 लेनी दी थी तो ज्यादा कोई बात नहीं कोई बात नहीं अगर मैंने ये नहीं ली होती तो फिर मैं वो ले सकती ले लिया मैंने अब मैंने यार गाइस सारी शर्ट्स ले ली मैंने दिलवाई है वाइट वाली मैंने दिलवाई है चुप हो जा सच बोल अपने गाइस को सेकंड आइटम है ये देखो ग्रीन लाइंस में ये भी शायद 300 की है सारी शर्टें 300 की और इसी में एक है हमारे पास बहुत ही सुंदर लग रही है बहुत ही ज्यादा ये भी ये हमें कितने की मिली 300 की नहीं बट तू देख आपको किसकी शॉपिंग ज्यादा अच्छी लगी और ऐसे कोई और चैलेंज हमें बनाने हैं मतलब आपको अच्छी बोलना सीख ले बहन अगर ऐसे और भी चैलेंजेस हैं और आप हमें कोई चैलेंज देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओ और बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल तब तक के लिए बाय और एक सेकंड इसकी वीडियोस देखा करो और इसको मोटिवेट करते रहा करो ताकि थोड़ा कॉन्स्टेंट रहे तो फिर ताकि आप दो बार बोला कब करेक्ट कर रहे तो बहुत बुरी है तो गाइस बाय बाय बाय।